टेक्निकली बाहर के बाद एक बार नहीं सर के साथ बोल रहे कपड़े तो दबा दो सर आज ले तो वहां तो ले लो बाद में दबा दो यार सर के साथ तो मेरा कपड़े है पीछे वाले दिख रहे वो हमने कुछ हमारे पास मुखबर खास से सूचना प्राप्त हुई थी जिसके ऊपर हमने CIA 2 के इंस्पेक्टर संदीप के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था उसी के ऊपर कार्रवाई करते हुए CIA 2 की टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई जिसके अंदर इन्होंने पड़ाव थाना क्षेत्र से नेशनल हाईवे 44 के ऊपर से एक कार को फ्लैग डाउन किया जिससे चार आरोपियों को डिटेन करने और उनको अरेस्ट करने के ऊपर 1 किलो हेरोइन रिकवर की गई। जो आरोपी हैं उनकी डिटेल्स इस प्रकार से हैं, अनवर उर्फ अभी जो कि डेहा कॉलोनी अंबाला शहर का रहने वाला, इन सबकी जो भी एक्यूज थे इनकी सबकी पर्सनल सर्च विधि अनुसार की गई और इससे अनवर से 400 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इसी प्रकार जो कार चालक राजबीर और फराजू है ये क्वार्टर नंबर 1 शंभू रेलवे स्टेशन जिला पटियाला का रहने वाला है, अंजलि निवासी डेहा कॉलोनी तीसरा एक्यूज्ड ये लेडी थी और इससे 300 ग्राम हेरोइन बरामद की गई, और चौथा एक्यूज्ड है रेखा निवासी डेहा कॉलोनी अम्बाला शहर, इससे भी हमें 300 ग्राम हेरोइन इससे बरामद हुई। इस घटनाक्रम की पूरी हमने पड़ाव थाने के अंदर FIR नंबर 327 हमने NDPS एक्ट के अंदर दर्ज किया और इनको हमने पेश करके हमने इनको 3 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया और इनसे फर्दर पूछताछ की जाएगी ताकि हम जो सोर्स है इस पूरी बड़ी कंसाइनमेंट का उसका पता लगा सकें और जो इनके फर्दर डिस्ट्रीब्यूटर थे उनके बारे में इनसे गहनता से पूछताछ की जा सके। जो अभी तक की पूछताछ की गई है उसके अंदर ये पता लगा कि इन सभी चारों आरोपियों के पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, इनके ऊपर पहले भी क्रिमिनल केसेस इनके ऊपर दर्ज हैं और जो इनका ये टीम थी ये काफ़ी टाइम से काम कर रही थी और ये जो खास तौर पे ये इनके साथ जो कार चालक ड्राइवर राजवीर था ये हर चक्कर के 15,000 रुपये चार्ज करता था कंसाइनमेंट को लाने के लिए इनके साथ, और ये एक रेलवे एम्प्लॉई क्लास 4 जो कि रेलवे शंभू में पोस्टेड है उसी के क्वार्टर में रहता है और उसी का लड़का है ये, और बाकियों की भी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो हम केसेस एक बार सारे वेरीफाई करवा रहे हैं और जो भी आगे फर्दर फैक्ट्स आएंगे आपसे सांझे किए जाएंगे। सर ये लेके कहाँ से आते थे और सप्लाई कहाँ करते थे? इनकी पूरी जैसे मैंने बताया कि अभी ज़्यादा डिटेल्स हम आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि इसके बिल्कुल सोर्स तक पहुँचे, तो हम एग्जैक्ट डिटेल्स जो हैं कि इसका कौन सा सोर्स था कहाँ से ये लेकर आ रहे थे वो अभी हम हमारी कोशिश है हमारी टीम्स अभी भी उनके ऊपर काम कर रही हैं, तो हम इनके पुलिस रिमांड के दौरान हम कोशिश करेंगे कि उन तक भी हम पहुंच पाएं, तो जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो वो डिटेल्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। सर अम्बाला भी मिला इनसे? नहीं, वेपन वगैरह तो नहीं मिला इनसे कोई भी। सर अम्बाला की डेहा कॉलोनी नशे का गढ़ बनता जा रहा है जी, क्या वहाँ भी छापेमारी की जाएगी इनके आस पड़ोस या इनके रिश्तेदारों में? जी बिल्कुल, ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इनके पारिवारिक सदस्य और भी हैं जिन जो पुराने टाइम से इस इलीगल व्यापार के साथ ट्रेडिंग के साथ इलिसिट ड्रग ट्रेड ट्रैफिकिंग और ट्रेडिंग के साथ जो संबंध रखते हैं, तो हम हमारे पास और इनसे सूचना इनकी पूछताछ में हमारे साथ इन्होंने जो सांझी की है उसके ऊपर फर्दर हम काम करेंगे, और पहले भी हमने काफ़ी बड़े स्तर के ऊपर डेहा कॉलोनी जो कैंट की है वहाँ पे भी काम किया और रिसेंटली हमने डेहा कॉलोनी जो सिटी की है
वहाँ पे भी हमने चाहे वो नाके लगाने पड़े उसको रेगुलेट करने के लिए, चाहे वहाँ पे कॉम्बिंग ऑपरेशन करवाना पड़े, हमने काफ़ी मुकदमे भी रजिस्टर किए हैं। और बल्कि मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा कि इसी साल के 1 जनवरी 2022 से लेके अब तक के हमारी जो अम्बाला पुलिस की अचीवमेंट है NDPS के खिलाफ, उसके अंदर हमने लगभग 3 किलो 6 ग्राम हेरोइन अभी तक हम बरामद कर चुके हैं, 9 किलो 999 ग्राम हम अफीम बरामद कर चुके हैं, और 3 क्विंटल 9 किलोग्राम चूरा पोस्त पुलिस ने अभी तक बरामद किया है, 7 किलो 911 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, 223 ग्राम चरस बरामद किया है, लगभग 65,000 नशीली गोलियां बरामद की हैं, लगभग 9800 नशीले कैप्सूल, 1950 नशीले इंजेक्शन और 95 सिरप की बॉटल्स हमने रिकवर की हैं। कुल हमने 92 FIRs दर्ज करके 111 आरोपियों को हमने सलाखों के पीछे डाला है, और इसके अलावा जो हमारी प्रॉपर्टी अटैचमेंट का मुहिम है उसके अंदर भी हमने अभी तक जो 5 बड़े तस्कर जो बड़े लेवल की तस्करी करते थे उनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई की है। सर, अम्बाला छावनी में जिस तरह प्रॉपर्टी डेमोलिश की गई, उस तरह की कार्रवाई क्या शहर में भी देखने को मिलेगी? देखिए, कोई मतलब कि जो कानून की प्रक्रिया है उसके हिसाब से जिन लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शंस कर रखी हैं तो डेफिनेटली जो लोकल कॉरपोरेशन और कमिटीज़ हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके जो इलीगल स्ट्रक्चर्स किसी ने बना रखे हैं तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, और जिन्होंने इस मतलब कि गलत काम के थ्रू ये लोगों का भविष्य खराब करके, लोगों की बच्चों की जान लेकर और ये नशे का धंधा करके जिन्होंने अपनी मतलब घर भरे हैं और प्रॉपर्टीज बनाई हैं उनको भी हम अटैच करने का काम करेंगे। सर, ये टोटल प्रॉपर्टी जो अटैच की, इसका सर वैल्यू क्या है? टोटल वैल्यू उसकी अराउंड 4 CR के आसपास है। और सर, जो एक्यूज अरेस्ट किए हैं ये आपस में रिलेटेड हैं अदर देन ड्राइवर? जी, आपस में ये रिलेटिव्स ही हैं। ये बंद करिए। सर, तुम लोग कह